हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे बच्चे आप लोग? चलिए, आपके नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को समझें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोज फॉर शुगर एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। तो ग्लूकोज को तोड़ना, इसका ये मतलब निकलना। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस किसने दी या ये पाथवे किसने बताया? एमडेन मेयर ऑफ पार्नस, ईएमपी पाथवे, इसीलिए ये कहलाता। एनएरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते रेस्पिरेशन में, उसमें ग्लाइकोलिसिस ही एक तरीका है जिससे वो लोग फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी जनरेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस हो कर रही है, ग्लाइकोलिसिस अकर सिंटा साइटोप्लाज्म में हो रही है। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, भले वो एनएरोबिक कैटेगरी का हो या एरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस होगी। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का कहलाएगा। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड जो बातें हैं हम लोग उनकी बात कर लें और जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो 10 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, एंजाइम है हेक्सोकाइनेस और एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये एक स्टेप है जहाँ पे एटीपी इस्तेमाल होता है। आपसे पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के वो दो स्टेप बताइए जहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहा है। दूसरा स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से एक बार फास्फोरिलेशन हो रहा, एक एटीपी मॉलिक्यूल फिर से यूज हो जाएगा। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ, टोटल इन ऑल 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गए। तो फर्स्ट स्टेप पे ग्लूकोज फास्फोरिलेशन हो रहा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा, एंजाइम एक्सोकाइनेज, एटीपी यूज हो गया। सेकंड स्टेप पे आइसोमराइजेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम है फॉस्फोएक्सोआइसोमेरेज। थर्ड स्टेप पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का एक बार फिर फास्फोरिलेशन हुआ और अब बन गया है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यहाँ पे एक एटीपी यूज हो गया। फोर्थ स्टेप पे क्या हो रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट हो रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको आप लोग बोलते हो ढाप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेडीआइड 3 फॉस्फेट। फिफ्थ स्टेप पे क्या हो रहा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा है, किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरेडीआइड में। अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेडीआइड के हो गए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 6 स्टेप से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछता है ग्लाइकोलिसिस का कौन सा स्टेप है जिस स्टेप पे रिड्यूसिंग पावर NADH2 जनरेट होती है। तो यही वो स्टेप है जहाँ पे NADH2 जनरेट होगा। दिस इज देयर इज वन स्टेप इन द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज 6 स्टेप वेयर NADH+H+ इज जनरेटेड फ्रॉम NAD+। ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरेडीआइड 3 फॉस्फेट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेप पे आपकी रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रही है, आपका आंसर होगा 6 स्टेप पे। और बेसिकली हो क्या रहा? ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन हो रहा किसका? ग्लिसरेडीआइड 3 फॉस्फेट का, और बन क्या रहा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेवन्थ स्टेप जो है ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एग्जांपल है। सेवन्थ और टेंथ स्टेप पे ग्लाइकोलिसिस के सेवन्थ पे और टेंथ स्टेप पे एटीपी जनरेट होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, पहले और तीसरे स्टेप पे एटीपी यूज़ होती है, एक मॉलिक्यूल यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ, 2 एटीपी यूज़ हो गए और 2 एटीपी यहाँ 2 एटीपी यहाँ, टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए, जिनमें से 2 आप खर्चा कर आए, 4 रुपये आपने कमाए, लेकिन 2 आप खर्चा कर ही चुके हो, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2 एटीपी का। ठीक है जी, यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो सेवन्थ स्टेप है जो कि एग्जांपल है सबस्टेट लेवल फास्फोरिलेशन का, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। नेक्स्ट स्टेप पे एट्थ स्टेप पे इसका आइसोमराइजेशन होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। नाइन्थ स्टेप पे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा फॉस्फोनोल पाइरुवेट में, एंजाइम है इनोलेस और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2O जनरेट होता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ग्लाइकोलिसिस का, वो स्टेप बताइए जिस स्टेप पे इनोलेस एंजाइम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से स्टेप पे H2O जनरेट हो रहा, आपका आंसर होगा 9th स्टेप पे। और हो क्या रहा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन हो रहा फॉस्फोनोल पाइरुवेट में। 10th स्टेप फिर से एग्जाम्पल हमारा किसका जी? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का। तो फॉस्फोनोल पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, ठीक है, एडीपी के साथ रिएक्ट कर रहा और एटीपी जनरेट कर रहा। ये हो गई आपकी कहानी ग्लाइकोलिसिस की। तो अगर सम अप करें तो आप देखेंगे ग्लूकोज प्लस 2 NAD+ 2 NAD+, क्योंकि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल चलेंगे। फिफ्थ स्टेप के बाद 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो एक मॉलिक्यूल अगर किसका जी? आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन रहा है, क्या
3 फॉस्फोग्लिसराइड से 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा एक मॉलिक्यूल, तो एटीपी जनरेट हो रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है इसलिए दो एटीपी जनरेट हुए हैं, ठीक है जी। या दो NADH2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ रिड्यूसिंग पावर जनरेट हुई थी, दो NADH2 जनरेट हुए। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डगमगाई, फिर से समझिए। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्जन हो गया 3-फॉस्फोग्लिसराइड में, और 3-फॉस्फोग्लिसराइड का ऑक्सीडेशन होने जा रहा है किस में, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा साथ में फॉस्फोरिलेशन भी हुआ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे NADH2 जनरेट हुआ है क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे, दो NADH2 जनरेट हुए। इसीलिए समअप जब कर रहे हैं तो ग्लूकोज +2 NAD+ +2 ADP+2 फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, दो मॉलिक्यूल बन गए पाइरुविक एसिड के, दो आपके पास रिड्यूसिंग पावर बन गई और दो ATP बन गए। तो नेट प्रॉफिट आपसे पूछे ATP का, आपका जवाब होगा 2 ATP। अगर वो इसको भी कंसीडर करने को बोले रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से कितने बनेंगे, 6 ATP और बन जाएंगे तो 8 ATP हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से लैंग्वेज पढ़िएगा कि उसने किस तरह से आपसे क्वेश्चन को फ्रेम किया, किस तरह से पूछा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लें हमारे MCQ। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, आपका आंसर हो जाएगा फ्री ऑक्सीजन, एनएरोबिक ये पाथवे है। नेट गेन ऑफ ATP, नेट गेन ATP 2 ATP, करेक्ट सीक्वेंस आप बना ही लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। विच एंजाइम ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू द ग्लूकोज, एक्सोकाइनेज एंजाइम, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट स्टेज इन एस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस, हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इन टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, 1 ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड जनरेट होना। द प्रोडक्ट फॉर्म इन फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल, तो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जब हुआ 7th स्टेप पे क्या हुआ था, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसराइड। आगे चलिए, फ्रॉम 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड एंजाइम इनोलेज रिमूव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर एंड फॉर्म अ डबल बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या बना जी, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना, एक मॉलिक्यूल H2O निकल गया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल H2O निकल गया और यहाँ पे एंजाइम है इनोलेज, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलेटेड विच सब्सट्रेट इज यूज्ड इन द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप पे क्या हुआ था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का कन्वर्जन हुआ है पाइरुविक एसिड में, ATP यहाँ पे भी जनरेट हुआ। 10th स्टेप है, सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का एग्जांपल है और एंजाइम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज, तो हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये इसका सब्सट्रेट है और प्रोडक्ट क्या है, पाइरुविक एसिड, ठीक। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैंने करवा दिए और इससे आप अच्छे से रट लीजिए। पूछा जाए यही जाता आपसे कि कौन कौन से स्टेप हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा, कौन कौन से स्टेप हैं जहाँ पे ATP यूज हो रहा, कौन सा स्टेप है जिस स्टेप पे NADH2 जनरेट हो रहा, टोटल कितने स्टेप हैं ये पूछा जा सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई है, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।